सिवनी जिले के 65 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का हुआ सम्मान। राजस्थान औषधालय मुंबई का आयुर्वेदिक डॉक्टर सम्मान समारोह संपन्न। घर घर आयुर्वेदिक पद्धति को पहुंचाने जरूरत, राजस्थान औषधालय अहम रोल निभा रहा। डॉक्टर बसंत राय। आयुर्वेदिक पद्धति से हर इलाज संभव, भारत की अहम प्राचीनतम पद्धति। डॉक्टर मोहंती। राजस्थान औषधालय ने भारत के लाखों लोगों को दिलाई शराब से मुक्ति। डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव। राजस्थान औषधालय RAPL ग्रुप मुंबई द्वारा पूरे भारत भर में चलाए जा रहे डॉक्टर सम्मान समारोह के तहत मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय से नागपुर रोड खैरी टेक स्थित निजी होटल में डॉक्टर सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सिवनी जिले के 65 आयुष चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय चौखे ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लोहा पूरा विश्व मानता है, इसके तहत संपूर्ण रूप से अनेकों बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मुख्य रूप से राजस्थान औषधालय मदद कर मुख्य भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष पहले आए COVID-19 के मरीजों की जिंदगी अपने स्तर पर कार्य करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोविड के मरीजों की सेवा की। कोरोना योद्धा आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। अगर भारत में आयुर्वेदिक औषधियों तथा प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता तो कोरोना को नियंत्रित करना मुश्किल साबित होता। उन्होंने सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना से जंग जितवाने में मुख्य निभाई, साथ ही उस समय हर घर में आयुर्वेदिक प्रणाली का उपयोग किया गया। उसी को देखते हुए RAPL ग्रुप मुंबई ने पूरे भारत भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करने का निर्णय लेकर चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। समारोह के बतौर अतिथि डॉक्टर हर्षा राय ने कहा कि राजस्थान औषधालय मुंबई द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सम्मान कर नई ऊर्जा दी है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा जिस तरह से जिले में कोरोना काल के दौरान सेवा की गई, उसी का परिणाम है कि राजस्थान औषधालय ने उन्हें सम्मान से नवाजा। उन्होंने कहा कि COVID-19 के दौरान चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मानवीय सेवा कर साबित किया कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है। उसी को देखते हुए RAPL ग्रुप ने जिले के डॉक्टर्स का सम्मान कर मनोबल बढ़ाने का काम किया है। डॉक्टर सम्मान समारोह में डॉक्टर भोजराज अमरदिया ने कहा कि COVID-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना के मरीजों की जान बचाई, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान औषधालय आयुर्वेद के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने RAPL ग्रुप के चेयरमैन रहे डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत कर देश के लाखों लोगों को नशा मुक्ति की दवा देकर नया जीवनदान दिया। डॉक्टर सम्मान समारोह में डॉक्टर अरूप सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र मिश्रा, नीलेश बोपचे ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि आयुर्वेदिक औषधियां कोरोना काल के दौरान कारगर साबित हो रही थी। उस समय आयुर्वेद के डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारियां आई, जिसका जिले के चिकित्सकों ने सामना किया। उसी मेहनत को समझते हुए राजस्थान औषधालय ने सम्मानित कर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नई दिशा देने का काम किया है। डॉक्टर सम्मान समारोह में अतिथियों एवं जिले के सभी डॉक्टर्स को राजस्थान औषधालय मुंबई RAPL ग्रुप परिवार की ओर से माला, शॉल, साफा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में RAPL ग्रुप के चेयरमैन रहे डॉक्टर SD चोपदार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डॉक्टर सम्मान समारोह में डॉक्टर प्रकाश अमरोडिया, डॉक्टर नितिन कटरे, डॉक्टर राजेंद्र बी सिंह, डॉक्टर विजय कटरे, डॉक्टर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह ठाकुर, डॉक्टर नितेश सनोदिया, सम्मान समारोह प्रभारी आसिफ अख्तर, RAPL ग्रुप के अंकित कुमार मालवी, मेराज आलम, कोऑर्डिनेटर कविता जाधव सहित जिले भर के आयुर्वेदिक चिकित्सक उपस्थित थे। आयुर्वेदिक चिकित्सक और उपस्थित है और महाशक्ति रूप में यहाँ उपस्थित है हमारे डॉक्टर सदा अनूप सिंह जी और सूरज जयसवाल सभी लोगों का अभिनंदन वंदन स्वागत है। सर्वप्रथम है उस सत्य को कि मैं आपको तमाम सारे चिकित्सकों की ओर से
जिसके पास दवाई के पैसे नहीं होंगे,